हेलो गाइस, आप सभी का पेट लवर निशु के चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रिफाइंड स्नैक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक देखकर समझ गए हो कि अगर आप अपने पैरोट को या तोते को रिफाइंड स्नैक्स देते हो तो उससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिफाइंड स्नैक्स किस प्रकार से तोते के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तो रिफाइंड स्नैक्स में आज हम निमकी की बात करते हैं। तो निमकी बनाने के लिए उसमें जो सामग्री पड़ती है वो मैदा है, मंगरेला है, रिफाइंड ऑयल है और नमक है। तो सबसे पहले हम मैदा से होने वाले नुकसान को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका पेट एक बर्ड है, जैसे कि वो अगर वो तोता है, तो आपको मैदे से बने हुए सामान कभी नहीं खिलाने, क्योंकि अगर आप उन्हें मैदा से बना हुआ चीज़ें खिलाते हैं, कोई भी सामग्री खिलाते हैं, तो उन्हें ब्लड प्रेशर के बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ ही उन्हें हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि मैदा को सफ़ेद जहर भी माना जाता है। और मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल इंसान भी ज़्यादा मैदा का सेवन करता है या अगर ज़्यादा मैदा की सामग्री खाता है तो उसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल तोता तो एक छोटा सा पक्षी है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। तो तोते को निमकी, समोसा, ऐसे तले हुए स्नैक्स, ऐसे तले हुए पदार्थ खिलाने से बहुत दूर रखना चाहिए। अगर आप मैदा अधिक सेवन करते हैं तो LDL बढ़ता है। तो हम थोड़ा सा जान लेंगे कि LDL क्या है। तो गाइस, LDL एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, और LDL कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ता है जब हम मैदा का अधिक सेवन करते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बर्ड्स को कि आप हमेशा मैदा से दूर रखें। साथ ही ज़्यादा मैदा खाने से वेट गेन भी होता है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से भी जूझना पड़ता है। देर तक दिया हुआ सामान अगर वो है तो उसे बदल दें, नया नया चीज़ दें, उसे फ्रेश खिलाएं, क्योंकि वो आपके घर का है, उसके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तोते को अमरूद बहुत पसंद होते हैं, साथ ही साथ तो अमरूद पाचन क्रिया में भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। तो मिट्टू को ट्रीट के लिए अमरूद दे दिया है, और मिट्टू के हेल्थ के लिए अमरूद बहुत बेनिफिशियल होता है। तोते को मिट्टू को मैंने अमरूद दे दिया है जो कि फ्रेश है, मैंने इसे कट करके रखा था। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पेट को कुछ खिलाते हो तो फ्रेश चीज़ें खिलाएं। अगर मान लीजिए अगर आपके तोते को पाचन से कोई समस्या है या वो अच्छे से नहीं खा रहा है, तो आप उसे अमरूद देकर भी देख सकते हैं कि अगर वो खा लेते हैं अमरूद तो हो सकता है उसके जो भी पाचन की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और तोते बीमारी ग्रस्त नहीं रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। तोते के लिए अमरूद एक रामबाण है। ये आप पर डिपेंड करता है गाइस कि आप अपने बर्ड को क्या डाइट दे रहे हो। तो अगर आप अच्छा डाइट दोगे तो आपका बर्ड हेल्दी रहेगा। उन्हें ठीक वैसे ही अगर आप कोई मैदा का सामान खिलाओगे, तैले पदार्थ खिलाओगे, मेरा मतलब कोई भी ऑयली फूड्स खिलाओगे, तो बात ये होती है ना कि उन्हें वीकनेस रहती है। साथ ही साथ आपको आपका पेट एनर्जेटिक नहीं लगेगा, वो शांत सा रहेगा, बहुत अकेला सा रहने लगेगा। तो उन्हें ऐसे फूड से दूर रखें, उन्हें हेल्दी चीज़ें खिलाएं, उन्हें तेलीय पदार्थ फॉलीवुड्स बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, कभी भी नहीं खिलाएं। और इसलिए हमें अपने जो भी आपके घर में पेट है उसका ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए ऐसा बोलते ना कि अगर उसे प्रॉपर डाइट उस दिया जाए तो उसे एनर्जी भी उसे लगेगी, उसे एनर्जी फील होगी। और इन बातों का जरूर से ज़रूर ध्यान रखें। बर्ड्स या तोते के लाइफ में फूड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आपको ध्यान रखना होता है कि आप अपने बर्ड्स को क्या खिला रहे हो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपको मेरा कौन सा सजेशन सबसे अच्छा लगा था। और साथ ही अगर आपको वीडियो गाइस थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर कोई भी क्वेरीज आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर जरूर करूँगी। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।